आप मेरे खिलाई आती तो इंडिपेंडेंस होते कि खूब खिलाइयो, खूब इनकी तरक्की करियो, खूब इन अपना धर्मान बनाइयो। जय मेरी माँ। जय कर सकते हैं भाई, आजकल जो भी सिस्टम चल रहा है, देखा हुआ आपने क्लब में, होटलों में, और जगह जगह लोग जा रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है नी? बहुत बढ़िया। परिवार के अंदर हुए हैं, एक्सीलेंट, परिवार सेफ, ठीक है जी। अपने परिवार के अंदर, घर के अंदर हम अपना नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है, मैं बताऊँ जो सच्चाई है और हकीकत है दुनिया की। ये जो चौसलेबाजी है कि हम कुल्लू जाए, मनाली जाए, हिमाचल जाए या वहाँ जाए, इस परिवार से बढ़ के इस परिवार की जो छाया है ना, वो बहुत तेज जो धूप होगी उसके अंदर जो वृक्ष छाया देता है, ऐसे परिवार के अंदर ये छाया का काम करता है परिवार, संगठित परिवार। तालियां भाई, ऐसे ये शब्द जो है बड़े कीमती होते हैं। गर्मी के अंदर जैसे हमें पेड़ छांव देता है, ऐसे ही एक संगठित परिवार में रह के वो हमें छाया प्रदान करता है, उनका आशीर्वाद बना रहे। और भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि आने वाले समय में दिन दोगुनी और रात चौगुनी सब उन्नति करें, सब प्रसन्न रहे, तो यही हम दुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हो। बहुत बढ़िया। खुले मंच पे स्वागत है। बोलो भाई साहब, कुछ आप भी, अब तो बोलो। अरे कमाल है, तो रम के आए का कैसे। 2024 शुरू हो गया है, सबको एक बार फिर बन सके मुबारकबाद। और 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, 2023 हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा। हमारे परिवार में दो नए सदस्य जुड़ गए हैं, दो सदस्य श्रेया और अंशी, दोनों नए बच्चे हमारे परिवार में जुड़े हैं, इनका स्वागत है खुशी परिवार के अंदर। और मैं इनके लिए भी, और जो है थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा, ये गाड़ी यहां तक कैसे पहुंची हमारी, क्योंकि हमारी जो वीडियो है हर साल की, नए साल की जो देखते हैं, हमारे साथी को बड़े अचंभित रहते हैं कि हमारे तो परिवार में दो भाई इकट्ठे खाना नहीं खाते, आज भी आपके परिवार में ऐसा माहौल है। जय हो। इस माहौल के लिए कि ये जो रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते के हिसाब से चलते हैं, क्वालिफिकेशन के हिसाब से किसी की सीनियरिटी फिक्स नहीं है, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारी माँ और निधि। एक वेल एजुकेटेड जो हमारी माँ को हाथों में रखा है, मैं सलाम करता हूँ हमारे अनुसार उसी को जिन्होंने बिल्कुल नहीं है कि चारों और जो है वो इनको इग्नोर करती हूँ, हमारी माँ को जो है किसी में हिम्मत नहीं है हमारी माँ को इग्नोर कर जाए। ये हमारा आपस का भाइयों का कोऑपरेशन है आपस में। इसके लिए जो है दो तीन बातें बताऊंगा, नए बच्चे आए हैं इनको, जो मैंने अपनी बेटियों को भी बताया है विदा करने से पहले, आपके माँ बाप ने बताया होगा कि जिंदगी में दो शब्द से जरूर समावेश रखना जिंदगी के अंदर, सॉरी और थैंक्स, धन्यवाद। गलती इंसान से सभी से होती है, हमारे से भी होती है, आपसे भी होगी, लेकिन तुरंत खुले दिल से माफी मांगो उस चीज की कि जिस वजह से गलती हो गई, जिंदगी चमन रहेगी लाइफ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। है कभी झूठना सारा नहीं लेना कि कभी किसी को कल गलती हो जाए कि मैंने इसका जवाब देना ही देना है, चाहे वो फिट बैठे या ना बैठे। इसके लिए जो कहते हैं ना कि व्यवहार जो है बहुत बड़ी चीज होती है, वाणी और व्यवहार दोनों से ही सिद्ध होता है। ये हमारी ऐसी चीज है जीवन के अंदर, हमारी वाणी और व्यवहार अगर ये सही है, कोई खानदानी कहते हैं हम, संस्कारी कहते हैं, उसके लिए कोई लेवल नहीं होता, वो हमारे व्यवहार से प्रदर्शित होता है। हमारा व्यवहार क्या है, हमारा कहाँ लालन पालन हुआ है, हमने किस सोसाइटी में जीवन बिताया है, तो इसको ये रखना हमेशा। और क्या बता दूं मैं, जो है आगे यही है भाई कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की,
हर चीज काबिले मरम्मत है एतवार के सिवा। सोना सब टूट के बढ़ जाता है लाइफ के अंदर, लेकिन अगर एक बार विश्वास टूट जाता है वो जिंदगी में जुड़ने का नहीं, उसका कोशिश करना जो है बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एतवार बना के रखना। एक रुपया एक लाख नहीं हो सकता, लेकिन एक लाख में से एक रुपया निकल जाए तो वो भी लाख नहीं रहता है, लाख नहीं रहता। इसलिए एक लाख बन के रहो, एकत्रित रहो, संगठित रहो, सबसे बड़ी बात है। ये मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा, ये सभी पे लागू होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया, हैप्पी न्यू ईयर। और भी कोई अपना कोई विचार रखे और कोई बच्चों को ज्ञान दे तो वो बिल्कुल दे सकता है, और खुले मंच पे स्वागत है। कोई किसी को मारते पीटते कभी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया इन्होंने, जो आज इकट्ठे हैं हम यहाँ, इनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल पिलर है जी, ये मानना पिलर है, मेन पिलर, मेन पिलर है ये, मेन जो डब्बे हैं ये पटरी से कभी अलग नहीं तोड़े जो है, वरना यहाँ आज हम इकट्ठे नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है। ये बात मैं ठीक न बोलने वाला था, आपने पूरी कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी और कुछ मंच पे है, मंच पे मंच ही है यार, ये लो मंच इधर बना देते। मैं तो जो भाई ने आप कही है, मैं ये रहगी सी बात, मैं ये कहने के लिए खड़ा होता, लेकिन भाई ने कह दी असलियत में। ये बैठी है हमारी भाभी श्री बैठी हैं, और ये अंगन मम्मी भी है, इन दोनों की जो मैं हमने कहूं तो थोड़ा सा हो सकता है ठीक भी नहीं लगता, लेकिन इनका मुकाबला नहीं हो सकता कभी। इस भाभी से को भी भाभी ने मान लो उसके लिए कह दिया, तो मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल आधा घंटे बाद इन कह दी वो पूजा कोई बात नहीं, मैं कह भी नहीं कोई बात नहीं, सॉरी। मतलब अचंभे की बात ये देखो, छोटे से कह दी सॉरी, वो बात वहीं खत्म। और आज भी मैं कहता हूं लिखवा के ले लो, आज भी इनका मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो एक सिक्का तो जरूर दूंगा बेटे सभी को, ये घर के अंदर एक तो कोई बाहर से मेहमान आ जाए, गेस्ट आ जाए, ये तुम्हारे लिए खास तौर पर सिक्का है। फिर वही बात आती है कि निधि भाई सलाम करता, मैं डबल सलूट देता हूं निधि के लिए। 10 आदमी रात को 10 बजे आ जाओ, बंदी के माथे पे तोड़ी नाम की चीज नहीं होती, चटपट चटपट जैसा भी है और अपनी तरफ से बेहतरीन। कभी भी घर पर आए कि माथा नहीं मारो, तोड़ी नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा मेहमान गेस्ट कोई आता है वो नसीब वाले के आता है। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई हुक्का और चाय पानी ये भाग्यवान के खर्च होते हैं, निर्भाग्य के नहीं होते। कभी भी गेस्ट आएगा कोई आएगा तो उसका हंसते स्वागत कर लो, हंसते खिलाओ, हंसते पिलाओ, कुछ नहीं जाता। और अपने भाण व्यक्ति के लिए जो बन सके, मैं ये नहीं कहता भाई ये दो वो दो फलाना दो, सम्मान सबसे पहले जो श्रद्धा से एक रुपये बनता है एक ही दो, वो आपको 10 गुना मिलेगा, ये मैं लिख के देता हूं। लेकिन सम्मान सबसे पहला होना चाहिए, छोटे का बड़े का आदर सम्मान करो। और माँ बाप तो सर्वप्रथम ग्रंथों में भी लिखा है, अगर ग्रंथ खोल के देखोगे तो भगवान देवी माँ विष्णु भगवान शंकर भगवान केदारनाथ फसाना ठिकाना कुछ नहीं है, माँ बाप की जितने सेवा कर ली उसके सामने सब फेल है। ग्रंथ में लिखा है, मैंने आग बनाई थी एक आरती, बहुत बेहतरीन आरती बनाई थी, लेकिन काम मेरा थोड़ा ज्यादा था, वहां शोर शराबा ज्यादा था, मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रहा। मैंने पहले भी आपने तो सुनाई थी तो दरक मत गए। उसमें एक भाई उसमें ठीक आ रही है सबसे पहले तो माँ के चरणों में नमन करता हूँ, और अपने पिता तुल्य भाइयों के मैं और माँ समान अपनी बड़ी भाभियों के चरणों में नमन करता हूँ। सबसे बड़ा आज इस गांव के अंदर जो इस परिवार का डंका बसता है वो एकता के कारण बसता है। सबसे पहली बात तो ये ऐसे उस पंचिंग है। दूसरी बात, कई दफा मेरे से भी कोई बात गलत होगी है तो मैंने भाइयों से एक सेकंडों में क्षमा मांगा, उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया।
और मेरे से सारे भाई बड़े होते सराते भी, इस परिवार के अंदर जितने भी बच्चों के ब्याह शादी हुए हैं और जो जिम्मेवारी इन्होंने मेरे ऊपर दी वो मैंने बखूबी निभाया। एक परिवार की एकता के कारण जो है आज गांव भी मिसाल देखता है इस परिवार की। इसीलिए मैं सभी बच्चों से ये अपील करता हूं, यदि कोई भी बच्चा आपस में कोई गलती कर भी देता तो अपने बड़े से गलती मांगने में कोई हर्ज नहीं होता, गलती मांगने के साथ ही बड़े ने भी उसका भी फर्ज बनता है बिल्कुल कि उन बच्चों को क्षमा कर देगा बिल्कुल। ये नहीं कि अपनी मरोड़ में बैठ कर मैं बैठा ही रहूं, कोई भी हो सभी अपने से बड़े का सम्मान करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सम्मान करोगे भगवान आपको हर जगह इज्जत देगा। हम ही बड़े का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें कोई जो है झुकियों पर ठोकरों पर रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्चा। अपने से बड़े की इज्जत करो, उसी में ही सब भगवान का रूप है। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर। तो जो भी जैसे चलता है यूनिटी के साथ, जैसे हम एग्जांपल रहे ऐसे एग्जांपल आगे भी रहेंगे। लेकिन कोई भी रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का हो, माँ बेटे का हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें कभी ना कभी मेरे और माँ का तो आपने देखा भी होगा, छत्तीस कांगड़ा रहता है क्या बस। मैं माँ को परेशान करता हूँ, माँ मेरे को परेशान करती है, फिर हम दोनों हंसते हंसते वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये लाइफ है। बाबा कहते हैं जो हमारे राजेश्वर आनंद जी हैं कि राम कृष्ण हनुमान जो भी इस धरती पर आया है उसको दुख भोग के जाना पड़ा है। कोई भी सुखी नहीं रहा, कोई भी 100% सुखी कोई भी नहीं रहा। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, दुख के बाद सुख जरूर आएगा 100%। तो आगे बढ़ते रहो खुशी के साथ। और कभी कभी गलतियां हो जाती है सभी से, मेरे से भी गलती हो गई थी संडे की शादी के दौरान, मैं भी फिल्म में बह गया था, वहां पर परेशान ज्यादा कर दिया था। तो जिससे भी गलती होती है क्षमा मांगने में कोई मतलब लज्जा नहीं है, क्षमा करने से जीवन आसान हो जाता है। इसलिए माँ भी खूब हंसती रहती है, हम भी दिल में रखते नहीं, जो दिल में रखेगा उसका दिमाग कभी शांति से नहीं रहेगा, कभी सुखी हो ही नहीं सकता। जो भी चीजें हैं दिल के अंदर ना रख के उसको बाहर निकाला जाएगा। जो भी बच्चे हैं वो बड़ों का सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट करें। गलती होती है तो सॉरी बोलने में कोई दिक्कत है ही नहीं, सॉरी बोलोगे तो तुम्हारा आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि जो पेड़ होते हैं ना, ये जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, कीकर का पेड़, ठीक है, ये आंवले का पेड़, ठीक है, और ये संकट मोचन भी है। हमारे परिवार में मतलब एक नहीं कई कई संकट मोचन है, हमारी किस्मत है कि हम तरह तरह की वैरायटी के संकट मोचन है कि कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई तो उसके लिए बिट्टू भाई साहब तो सर्व सर्वी है ही है। बच्चों के लिए ये संकट मोचन है, तो अपने ही प्रॉब्लम्स को शेयर करें और बड़े बनने की कोशिश ना करें कि हम बड़े। जिस दिन भगवान को पता चल गया ना कि ये बच्चा मेरा समझदार हो गया, भगवान उसका साथ छोड़ देगा। वो सोचेगा कोई संजय जैसा बेवकूफ उसका हाथ पकड़ा जाए, ये तो अपना भला खुद ही कर लेगा, कर लेगा, ठीक है ना। तो बड़ा बन, जिस दिन तुम बड़े बन गए भगवान कहेंगे तो समझदार हो गया। मेरे को तो कोई बेवकूफ चाहिए जिसको मैं सारा बनूंगा। इसलिए बड़े बड़े रहेंगे, जैसे मैं पिताजी भी कहते थे कि बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, ठीक है। और कभी कभी जीवन के अंदर ऐसा भी करना चाहिए, जब अपने से युद्ध हो तो हार जाना चाहिए। हारना भी बड़ी चीज है, जब अपने से अपनों से युद्ध हो तो हार जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, जीतना है कोई बड़ा नहीं। भाग्यवान है ये मिसाल, मिसाल रहे आगे तक आने, हम रहे ना रहे ये मिसाल जरूर रहे। ए भाई अभी चाहे मैं तसला लिया माँ के पास, मुंह लिखाओ सब, मुंह लिखा करो, मुंह लिखा भाई। मोबाइल ब्रो ऐसे बोलो, नहीं बोला मत, हाँ हाँ दो मिनट का समय रहेगा सर, आप जो है सुनो सुनो सुनो,
सुनो नहीं नहीं एक बात और आई कॉन्टेक्ट एक दूसरे को चश्मा उतार लो चश्मा नहीं हैप्पी न्यू ईयर तो मेरा चश्मे को बोल चश्मा क्या कर रहे हैं क्या से बोला हैप्पी न्यू ईयर और हाथ और मिलाना फिर ऐसा है